तेलंगाना में चुनावी जनसभा, कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चित्रकूट दौरा, चित्रकूट में जनसभा को किया संबोधित, कहा पीएम ने 10 साल में विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया और मंत्र रखा सबका साथ सबका विकास। प्रियंका गांधी रायबरेली में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं, आज उन्होंने जनसभा को किया संबोधित। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का चुनाव लगातार गिर रहा है और मोदी जी जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित, 10वीं में सिमरन शब्बा बनी टॉपर और 12वीं में महक अग्रवाल बनी टॉपर। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना के रायगिरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के विपरीत वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी है। भाई और बहनों, ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध, देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव। अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट में चुनावी जनसभा किया, जहां पे जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साधारण आदमी के मन में राजनीति को लेकर ये विचार बन गए, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद भारत की राजनीति में सब कुछ बदल सकता है। लेकिन पीएम मोदी ने 10 साल में विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया और मंत्र रखा सबका साथ सबका विकास। 10 साल पहले भारत के सामान्य नागरिक में, मानवी में, मनुष्य में, व्यक्ति में एक मन में घर कर चुका था कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनीति ऐसी ही होती है, यहां तो सब बेईमान हैं, ये गुंडों का राज चलता रहेगा। साधारण आदमी के मन में राजनीति के बारे में यह विचार बन गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति में सब कुछ बदल सकता है। और ये 2024 का चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, वो आर के सिंह जी को आप चुनाव तो जिता ही रहे हैं, लेकिन आप विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज चल पड़े हैं। ये सवाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से प्रत्याशी अपने भाई राहुल गांधी के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं। वो लगातार नुक्कड़ सभाएं कर जनता को संबोधित कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने महिलाओं से भी संवाद किया और जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर भड़की। उन्होंने कहा कि मैं आपको बार बार बता रही हूं, असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना, ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना, ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से।
लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान के तीन चरण हो चुके हैं और चौथा चरण नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जीत की हुंकार भरने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि हिमाचल में अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बांटो और राज करो की जो नीति अंग्रेजों की थी उसे आज कांग्रेस पार्टी ने अपना लिया है। पहले तीन चरणों के मतदान से साफ हो गया है कि कांग्रेस का चुनाव लगातार गिर रहा है और मोदी जी जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार है। अपने बयान में मंत्री अनुराग ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तीसरे चरण के मतदान पर ये साफ नजर आता है कि नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगाने का तैयार है। कांग्रेस का चुनाव लगातार गिरता जा रहा है। हताशा निराशा नजर आ रही है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जो कांग्रेस पार्टी है इसमें अंग्रेज तो चले गए, अपनी विचारधारा छोड़ कर चले गए। रंग भेद जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, भय भ्रम अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। जो कभी अंग्रेज करते थे हिंदुस्तान को बांटने के लिए, आज कांग्रेस पार्टी के नेता बांटो और राज करो की नीति पर है। पाकिस्तान से भी उनको बार बार समर्थन मिल रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में कांग्रेस के साथ कोई नहीं। छत्तीसगढ़ बोर्ड से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित हुए 6 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का परीक्षा फल का इंतजार आज खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं में कुल 3,45,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बोर्ड की ओर से आज इन परीक्षार्थियों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं की परीक्षा में कुल 75.64% परीक्षार्थी पास हुए। इस परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं की परीक्षा में जशपुर की सिमरन टॉपर बनी है। सिमरन ने 10वीं की परीक्षा में कुल 99.5% मार्क्स प्राप्त करे हैं। वहीं 10वीं की परीक्षा में होनीशा ने प्रदेश भर में सेकंड रैंक हासिल करी है। वहीं श्रेयांश कुमार को तीसरा स्थान मिला है। टॉपर्स लिस्ट में अर्पिता को चौथा स्थान मिला है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि कल इस मामले में दिल्ली सीएम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। यह पहली बार होगा जब केजरीवाल का नाम चार्जशीट पर दाखिल होगा। ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता और किंग पिन के तौर पर दर्ज करने जा रही है। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। कल सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर सकता है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के उद्देश्य से बहराइच पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने देवीपाटन मंडल के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा की और मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने वाली है, इस डबल इंजन की सरकार में अभी से एक इंजन गायब दिख रहा है। बीजेपी को जनता से खतरा है, वोट डाल के आए हैं, करोड़ों जनता वोट डाल रही है और जिन 60 लाख नौजवानों का इन्होंने नौकरी छीनी है, पुलिस भर्ती से लेकर तमाम परीक्षाओं के पेपर रद्द हुए हैं, वो 60 लाख बच्चे उनके माँ बाप जोड़ दो तो 3×60 लाख 1,80,00,000, 1,80,00,000 का भाग दे दो 80 लोकसभाओं में तो बीजेपी का हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। उसका जवाब है उनके पास? अग्निवीर का कोई जवाब है? ये हमारे खाकी वर्दी पहने वाले लोग हैं, ये अगर आउटसोर्स पे हो जाएंगे, इनकी नौकरी 3 साल की हो जाएगी तो ये वोट नहीं डालेंगे खिलाफ क्या? और ये लोग जो पूछते हैं, ये बताओ लेटरल एंट्री जब हुई थी, लेटरल एंट्री में न आरक्षण दिया गया और लेटरल एंट्री विदेश से बुलाए गए, 3 साल नौकरी की लूटा लुटाया और वो 3 साल बाद विदेश भाग गए। अभी तक तो हम सुनते थे उद्योगपति भागे, लेटरल एंट्री से जो अधिकारी बने थे वो भी तो वापिस चले गए। कन्नौज में बीएसपी की मुखिया मायावती ने कन्नौज से लोकसभा प्रत्याशी इमरान बिन जफर के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि देश में बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों में पूरे देश पर राज किया, जनता ने इनको देख लिया है, अब जनता इनको चुनाव में सबक सिखाएगी। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में
मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपने पार्टी के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला आया था बॉन्ड का, तो जिसमें ये बॉन्ड की जो रिपोर्ट खोली गई, जब रिपोर्ट सामने आई प्रकाशित हुई, तो उससे उसमें ये जाहिर उस रिपोर्ट से ये मालूम होता है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अन्य सभी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से चुनाव में, खासकर चुनाव में बॉन्ड के जरिए करोड़ों अरबों रुपया लिया है। लेकिन उस रिपोर्ट में आपने कहीं पर भी बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोगों ने नहीं देखा हो। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।